अहे जगतनाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहिए सुबह उठ करी उठ करी सब पहले तो मैं उठ रही मम्मी बाप नहीं गई थी तो नहीं गए लेट नाइट सुना सुना टायर भी थे इसलिए नहीं गए थे और ये बच्चे करने वाली जो थी सारे जो हालत हुआ है देखिए चलो क्लीन हो गया बहुत ही अच्छी बात है। वेलकम बैक माय चैनल लिली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। कल तो गया कल तो बर्थडे बेबी का गया और आज मतलब अभी मोबाइल में पकड़ रही हूँ 9:30 बजे। आज वीडियो कभी पब्लिक नहीं करी हूँ, पहले का एक वीडियो था उसको मैं पब्लिक करूँगी। बर्थडे ब्लॉग कल करूँगी और ये वाला ब्लॉग परसों करूँगी ऐसा होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, बहुत काम था भाईगढ़ बहुत ही काम था। चलिए चलिए बाद में करूँगी मैं, लगभग 10:30 या 11 बजे में पब्लिक करूँगी। बने रहिए वीडियो पर। बहुत गैस बचत होती जान छुरानी एते बड़े गैस सरी जाता नी एते बहुत कम गैस चली हैं। गैस बहुत कम चल छ तो बहुत स्लिम नेस्ट आ बहुत बचत भी होची। एगा सब मु पुछली घसी घसी के एगा मु नॉनसेंस है सब। साफ सुथरा करते करते हस्बैंड जी थे ना इसलिए मैं क्या करना साफ सुथरा सारी रूम को तो तीन बार पोछा लगाया और वो बर्तन माँज रही थी तो मैं थोड़ा हेल्प करती क्योंकि लेट हो जाता उसको जाने में मैं, लेकिन तो माँज तो मैं उसको धुल लूँगी। तो मेरे को माँज रही थी मैं धुल के ही रख रही थी और हो गया था वो 8:30 बजे खत्म। तार को चल गई सुबह उठकर मैं मोबाइल भी नहीं पकड़ी थी, मोबाइल में भी नहीं देखी थी। पहले काम वो ख़त्म कर ले जो हम रखे थे खाए थे सारे मेला हुआ था कचरा इधर उसको आग लगा दी और कुछ फेंक दी ऐसा करी। उसके बाद मैं सोची कि नहीं सारे काम ख़त्म करूँ जो होगा इसीलिए पहले सारे काम ख़त्म करी। तो उसको वो बर्तन माँजी था उसको भी हेल्प करी था धुलने में हेल्प कर दी। इधर हमारा माँ बेटी डिस्कस कर रहे थे जो भी कुछ होता है उसके बाद में कुछ ना कुछ डिस्कस होते हैं कहीं क्या हुआ क्या नहीं ऐसा भी होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैं आज कुछ भी खाना भी नहीं बना रही थी। वैसे भी तो हमारा सावन महीना चल रहा है सावन महीने में तो हम तो इधर प्याज लहसुन तो हम नहीं खाते हैं और नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है इसलिए एक ही टाइम सारे कुछ क्लीन कर दी। प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर दी, प्लेटफॉर्म को भी गर्म पानी कर थोड़ा कर पोछा लगा दी हूँ। तो वैसे एक माह तक हमारा ये सब बंद होगा ना इसीलिए सावन महीना चल रहा है इसीलिए आलू का जो सूझा वाला आलू था उसको सब्जी बनाई और ये है चिला बना रही थी मोटा चिला बना रही थी खाने के लिए। तो मोटा चिला भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो मोटा चिला या एक होता है कढ़ाई में भी बनाते हैं जो चिला वो तो और भी मज़ेदार लगता है। तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा होगा और कुरकुर होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं बना रही थी, मेरा चिला भी होने वाला था मतलब हो गया था
वैसे तो मैं भी चिल्ला खाई, पखाल भात भी बहुत था, तो मैं सोची एक जन के लिए बनाऊंगी तो वो बनाई। हमारा डोगी तो नहीं खाता है पखाल भात, इसीलिए सूखा भात बनाई थी, खाने वाला भात नहीं बनाए, सूखा भात भात बनाई। तो थोड़ा कुछ भी एक ही सब्जी बना दो तो भी चलेगा। तो जो हमारा था आलू को सिझा कर रखी थी, जो गुपचुप पार्टी चल रहा था, इसीलिए तो ज़्यादा होगा तो मतलब कम कम में मतलब सिझा कर रख दी थी, कहीं शॉर्टेज पड़ेगा तो उसको एडजस्ट करेंगे इसीलिए। और ये कुछ कपड़े जो एकदम से हल्का फुल्का वाला कपड़े हो ना, वो सारे कपड़े को धुल लेगी। जो पहने थे हम वो साड़ी कपड़ा वो सब नहीं धुली थी। हस्बैंड जी को पैंट वगैरह भी शर्ट तो साफ कर दी हूँ, पैंट वगैरह सब पड़ा हुआ है उसको भी साफ करूँगी, लेकिन धीरे धीरे से करूँगी, ऐसे एकदम से नहीं करूँगी, नहीं तो कमर दर्द भी होगा और टायर्ड भी लगेगा बहुत। तो इसीलिए कम कम जो कपड़े हैं ना उसको मैं साफ करती थी। कल मतलब इस ब्लॉग के बाद जब ब्लॉग आएगा उसी ब्लॉग में देखोगे बहुत काम है। जो हमारा हेल्पर वो भी अपने मायके गई है और हम अभी चल रहे हैं हैरानी में क्या करें। इस दिन तो ये तो हमारा बर्थडे के बाद में दिन में आई थी, लेकिन आज नहीं आई। थर्सडे को मतलब इतवार को, थर्सडे को सॉरी इतवार तो रविवार को बोलते हैं, इतवार तो हम क्या करें ना गुरुवार दिन को नहीं आई थी। पोछा तो तीन बार लगाई थी घर में, तो ना आने से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो भी तो कहीं जाएगा ना घूमने के लिए, तो मायके घूमने के लिए गई है, रहेगी तीन चार दिन बाद फिर से आएगी, तो हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं कोई बोलते हैं तो कंप्यूटर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। और इतना मच्छर काट रहे हैं अभी, हमको बहुत मच्छर काट रहे हैं। फिर भगवान कितने काम लुचाती है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए।